तो चलिए देखते हैं क्लास 10 के एपी चैप्टर जो है उसको उसके कुछ क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं। शुरुआत करते हैं कुछ सिंपल क्वेश्चन से। आपको क्वेश्चन अगर बहुत सिंपल लग रहा है तो आप वीडियो को थोड़ा आगे कर सकते हैं, 2 मिनट 3 मिनट स्किप कर सकते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन है, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। 10 और 250 के बीच में 4 के कितने मल्टीपल्स हैं? शुरू करते हैं बनाना। तो आपको मालूम चल रहा होगा जो पहला मल्टीपल है, फर्स्ट टर्म, वो 12 है, क्योंकि 10 और 250 के बीच में लेना है तो 11 को तो 4 डिवाइड करेगा नहीं, 12 को 4 डिवाइड कर लेगा, तो पहला जो टर्म है वो 12 है। लास्ट टर्म कौन सा है? तो आपको मालूम चलेगा 249 को तो 4 डिवाइड करेगा नहीं, 248 को 4 डिवाइड कर देगा, तो लास्ट टर्म 248। हाँ, निकाला कैसे जाता है तो आप देख लीजिए। तो यहां पे रिमाइंडर आ गया 2। रिमाइंडर का मतलब है कि अगर ये 2 नहीं होता इसमें तो 4 इसको टोटली डिवाइड कर देता, रिमाइंडर 0 आ जाता। यहाँ पे 2 नहीं होता तो कहने का मतलब 2 इसको 2 में से 250 में से हम 2 को घटाते हैं तो 248, 250 में से हम 2 को माइनस कर दिए तो 248 आ गया। तो ये टर्म है लास्ट टर्म जिसको 4 डिवाइड करेगा। ये लास्ट में जो रिमाइंडर 2 आया, अगर ये नहीं होता तो 4 डिवाइड कर देता इसको, इसलिए हम इसमें से 2 को माइनस कर दिए। अब आगे देखते हैं। आपको पता है फॉर्मूला L इज इक्वल टू A1 प्लस N माइनस 1 D। एम क्या है? नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 4 बिटवीन 10 एंड 250। तो आप सबको ये फॉर्मूला पता होगा पहले से, ये एल लास्ट टर्म है तो लिखते हैं 248। फर्स्ट टर्म क्या है? एवन फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म है 12, एन माइनस 1। हाँ, कॉमन डिफरेंस हमने नहीं निकाला है तो निकाल लेते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं? आपको पता है कि पहला जो टर्म है, वैसे भी 4 का जब हम मल्टीपल ले रहे हैं तो कॉमन डिफरेंस 4 हो जाएगा। पहला मल्टीपल 12, तो अगला मल्टीपल कौन होगा? 16। तो डिफरेंस कितने का है? तो यहां से भी कॉमन डिफरेंस 4 आ गया। सोल्व करते हैं इसको जल्दी से। तो जब 12 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा ये? 236। एन माइनस 1, कॉमन डिफरेंस आया है 4। अभी 4 जब इधर आएगा 236 इज इक्वल टू एन माइनस 1, एन माइनस 1 इज इक्वल टू 59। एन कितना हो गया? 60। तो 60 मल्टीपल है, 60 मल्टीपल्स है 4 के जो 10 और 250 के बीच में लाई करते हैं। तो ये रहा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टर्म ऑफ द एपी इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म? तो आप देख रहे हैं पहला है 121, फिर है 120, फिर है 113, तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है, यानी जाना तो नेगेटिव में ही है, लेकिन क्वेश्चन है कि पहला नेगेटिव कौन होगा। नेगेटिव तो बहुत सारे होंगे इनफिनिट, लेकिन वो पहला नेगेटिव
टर्म कौन होगा? शुरू करते हैं, लेट ए एन बी द फर्स्ट निगेटिव टर्म। हमने क्या किया, हमने मान लिया कि ए एन पहला निगेटिव टर्म है, ठीक। फॉर्मूला लिखते हैं, ए एन इज इक्वल टू ए वन प्लस एन माइनस वन बी, ठीक है। आप देखिए तो एन यहां पे कौन है हमको नहीं पता, ये पहला निगेटिव टर्म है, लेकिन कौन सा है वही हमको फाइंड करना है। ए वन कितना है, पहला टर्म 121, एन माइनस वन नहीं पता, कॉमन डिफरेंस कितना है कैलकुलेट कर लेते हैं, 117 माइनस 121, तो कॉमन डिफरेंस हो गया यहां पे माइनस 4, ये माइनस 4 है। ए एन इज इक्वल टू 121 माइनस 4n प्लस 4, ये आप लोग सोल्व कर पाते होंगे, ये माइनस 4n माइनस 4 इंटू माइनस 1 प्लस 4। आगे देखते हैं, ए एन इज इक्वल टू 125 माइनस 4n, तो आप देखिए एन आ गया 125 माइनस 4n। हमको एक चीज जो पता है कि ये एन निगेटिव टर्म है और वो भी पहला निगेटिव टर्म, तो हम यहां से लिख सकते हैं 125 माइनस 4n लेस देन 0, क्योंकि ये निगेटिव टर्म है। हम क्या करते हैं माइनस 4n को उस साइड, तो क्या होगा, ऐसा कुछ होगा, ठीक। अब हम देखेंगे 4n क्या आ गया, 125 से ग्रेटर आ गया, तो n ग्रेटर देन 125 बाई 4, तो n 4312 414। आप लोग कोई अलग तरीके से भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, इसका मतलब n बड़ा है तो इससे जस्ट बड़ा कौन होगा, 32। समझ पा रहे हैं आप लोग, तो जो पहला जो फर्स्ट निगेटिव टर्म है वो कौन सा है, 32। इज द फर्स्ट निगेटिव टर्म ऑफ द